नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईएसआईएस के लिए फंडिंग और रिक्रूटमेंट करने वाला आतंकी हादी कुवैत में गिरफ्तार। भारत ने दी थी सूचना, पाकिस्तान से लौटकर आतंकियों की कर रहा था मदद। कश्मीर हिंसा के मामले में उमर अब्दुल्ला का पीएम मोदी पर निशाना, जानबूझकर चुप्पी साधने का लगाया आरोप। प्रदेश सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। विजय माल्या के खिलाफ चेक बाउंस मामले में गैर जमानती वारंट जारी। दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने 4 नवंबर को पेशी का सुनाया फरमान। सरकार से माल्या पर दबाव बनाने की अपील। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायक दहशत में। विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मांगी सुरक्षा। कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने का किया अनुरोध। और भारत की महिला तीरंदाजी टीम ओलंपिक के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। तीरंदाज दीपिका कुमारी, लेशराम बोम्बालिया देवी और लक्ष्मी रानी मांझी ने दिखाए अपने हुनर। आरएसएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप में असम के एक कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है। असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी करते हुए उन्हें 29 सितंबर तक कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। राहुल ने आरएसएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसी मामले में राहुल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले साल दिसंबर महीने में असम के बरपेटा में एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि आरएसएस कार्यकर्ताएं उन्हें कार्यक्रम स्थल पर आने के लिए रोकने की कोशिश करते हैं। उनके इस बयान का पूरे देश में विरोध हुआ था। कुवैत की सुरक्षा एजेंसियों ने टेरर फंडिंग और रिक्रूटमेंट करने वाले आईएसआईएस के आतंकी अब्दुल्ला हादी अब्दुल अल इनजी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी हिंदुस्तानी एजेंसियों की जानकारी के आधार पर की गई है। दरअसल भारत ने आईएसआईएस के हिंदुस्तानी मॉड्यूल से संबंधित अहम जानकारी कुवैत समेत कई देशों के साथ साझा की थी। उसी जानकारी के आधार में विदेश में ये पहली गिरफ्तारी हुई है। आतंकी अब्दुल्ला के पकड़े जाने के बाद कुवैत ने उसे संबंधी जानकारी की हिंदुस्तान के साथ शेयर की है। सूत्रों के मुताबिक आरोप है कि कुवैत में पकड़े गए आतंकी अब्दुल्ला ने ही अरब मजीद समेत 3 साथियों को $1,000 की मदद की थी। दरअसल सीरिया जाने के रास्ते में अरब और उसके साथियों के पैसे इराक में खत्म हो गए थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद कुवैत की सुरक्षा एजेंसियों ने ये कार्रवाई की। बीजेपी से निष्कासित नेता दयाशंकर सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने ADJ 4 कोर्ट से 50,000 के मुचलके पर जमानत दे दी गई है। बता दें कि मायावती के लिए अपशब्द कहने वाले दयाशंकर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी। कई दिन फरार रहने के बाद उन्हें बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज FIR को मऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। DIG ने बताया था कि घटनास्थल मऊ होने के कारण ऐसा किया गया है। पुलिस ने दयाशंकर को CJM कोर्ट में पेश किया, जहां अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया था। दयाशंकर ने ADJ 4 कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये जमानत दे दी है। पुडुचेरी के CM वी नारायण स्वामी ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल और उपराज्यपाल किरण बेदी के बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच कोई संघर्ष नहीं है। उपराज्यपाल और मंत्रिमंडल संविधान के तहत उन्हें निर्धारित की गई शक्तियों के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए CM ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्रीय शासित प्रदेश पुडुचेरी का प्रशासन चलाने के संवैधानिक प्रावधानों में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी के संबंध में संविधान में हमारे अलग प्रावधान हैं और केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963 के तहत बनाए गए नियम भी अलग है। इसलिए किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि दिल्ली और पुडुचेरी दोनों केंद्रीय शासित प्रदेशों की स्थिति समान है। दिल्ली की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में शराब व्यापारी विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो माल्या की भारत वापसी के लिए दबाव बनाए। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने माल्या को 4 नवंबर को अदालत में पेश होने का फरमान भी सुनाया है। अदालत ने विदेश मंत्रालय से कहा है कि वो लंदन में रह रहे माल्या को वारंट भेजे।
अदालत ने कहा कि बार बार फरमान सुनाए जाने के बावजूद माल्या कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं, उनकी पेशी के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। वही माल्या के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल देश लौटने की हालत में नहीं है, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर उनसे सुरक्षा मांगी है। विधायकों ने कहा है जिस तरह का दिल्ली का माहौल है उसे देखते हुए उन्हें खतरा है, इसलिए उन्होंने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल से मदद मांगी है। विधायकों ने कहा है उनके कार्यालय में CCTV कैमरे लगाए जाए जिससे कार्यालय में होने वाली गतिविधियों को कैमरे में कैद किया जा सके। लगातार शिकायतों के आ रहे मामलों से विधायक इस बात को लेकर चिंतित है कि तमाम लोग उनसे मिलने आते हैं, कोई कुछ आरोप लगा सकता है, जिसको लेकर विधानसभा सचिवालय गंभीरता से विचार कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घाटी में हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया है और उसे दिल तोड़ने वाली और चिंताजनक करार दिया है। उमर ने कल देर रात ट्विटर पर लिखा, दिल तोड़ने वाली और चिंताजनक, केंद्र यहां संकट को लेकर कब जागेगा। वो कल हिंसक प्रदर्शनों के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 3 लोगों के मारे जाने पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कल घाटी में सुधार संबंधी केंद्र के दावे को लेकर निशाना साधा था। उमर ने लिखा, एक और दुर्भाग्यपूर्ण मौत, आज अनगिनत लोग घायल हुए और केंद्र माननीय उच्चतम न्यायालय को बताता है कि चीजें सुधर रही है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय राजधानी को राज्य घोषित करने की मांग से जुड़े दिल्ली सरकार के दीवानी मुकदमे और उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख ठहराने वाले हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आप सरकार की अपील की एक साथ सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल सरकार ने शीर्ष न्यायालय को सूचित किया कि वे उच्च न्यायालय के गुरुवार के निर्णय के खिलाफ जल्द ही एक याचिका दायर करेगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले को 29 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। आप सरकार का अनुच्छेद 131 के तहत दीवानी मुकदमा जब सुनवाई के लिए आया तो पीठ ने कहा कि आप सरकार को मूल दीवानी मुकदमे को आगे बढ़ाने के बजाय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर करनी चाहिए। शिवसेना ने महार त्रासदी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें दुर्घटना स्थलों के हवाई दौरों को रोकना चाहिए और उसने पालक मंत्रियों को राज्य के भीतर विमान से उड़ान भरने से रोकने की मांग की ताकि मंत्री महाराष्ट्र की सड़कों एवं पुलों की हालत समझ सके। शिवसेना ने यह भी कहा कि सरकार का महत्वाकांक्षी मेक इन महाराष्ट्र कार्यक्रम अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों एवं पुलों के निर्माण के साथ शुरू होना चाहिए, जिनके अभाव में कोई भी अन्य देश यहाँ निवेश करने का इच्छुक नहीं होगा। उसने कहा, एक दूसरे पर दोषारोपण करने और महात्रासदी पर केवल बैठके करने के बजाय इस फैसले पर गंभीर विचार किए जाने की आवश्यकता है। भारत की महिला तीरंदाजी टीम ने 31वें ओलंपिक खेलों के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम में दीपिका कुमारी, लेशराम बोम्बाल्य देवी और लक्ष्मी रानी माझी शामिल है। दीपिका ने कुल 640 अंक हासिल किए जबकि बोम्बाल्या ने 638 और लक्ष्मी ने 614 अंक जुटाए। भारत ने कुल 1982 अंक प्राप्त किए। व्यक्तिगत तौर पर 64 तीरंदाजों के बीच दीपिका 20वें स्थान पर रही जबकि बोम्बाल्या ने 24वें और लक्ष्मी ने 43वें स्थान हासिल किया। दीपिका और बोम्बाल्या व्यक्तिगत रैंकिंग के आधार पर अंतिम 32 दौर में पहुंच गई लेकिन लक्ष्मी ये मौका चूक गई। दक्षिण कोरिया की तीरंदाजों ने शीर्ष 3 स्थान हासिल किए। ग्रुप स्तर पर भी कोरियाई तीरंदाजों ने बाजी मारी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की मुश्किलें फिर बढ़ सकती है। हाल ही में रेप पीड़िता का नाम उजागर करने पर स्वाति मालीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी। अब स्वाति मालीवाल के खिलाफ ACB में शिकायत दर्ज हुई है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ ACB में शिकायत दर्ज कराई है। एक वरिष्ठ ACB अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि सहगल ने शिकायत दर्ज कराई है और इसको देखा जा रहा है। इससे पहले सहगल ने उपराज्यपाल नजीब जंग को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि मालीवाल ने एक निजी क्लब को कारण बताओ नोटिस जारी कर पद का दुरुपयोग किया। जयपुर कांग्रेस ने राजस्थान में गायों के मरने और खराब स्थिति के लिए BJP सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जिला कमेटी ने गायों की रक्षा के लिए शनिवार को पहले एक महाआरती और इसके बाद गोरक्षा पदयात्रा आयोजित किया है। इसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह खचरियावास नगे पांव करेंगे।
बताते चले कि हिंगोनिया गोजातीय पशु पुनर्वास केंद्र में बीते कुछ दिनों में कई गायों की मौत हो चुकी है। इसे देखते हुए जिला कमेटी ने बीमार गायों के बचाव के लिए अभियान चलाने की मांग की है। जयपुर कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा कि हिंगोनिया गौशाला में हर दिन सैकड़ों गायों की मौत हो रही है, जिससे कांग्रेस आहत है और इसके विरोध में गोरक्षा यात्रा निकाली जाएंगी। जेडीयू नेता शरद यादव ने देश में बेरोजगारी बढ़ने की तुलना कांवड़ियों की भीड़ से करके विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल कानपुर में जेडीयू की रैली के लिए पहुंचे शरद यादव ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, जिसका उदाहरण कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ से साफ साफ देखा जा सकता है। शरद यादव ने ये बयान घाटमपुर में जेडीयू की जनसभा से पहले सर्किट हाउस में दिया। शरद ने कहा कि कांवड़ियों की भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में कितनी बेरोजगारी है। इनके पास काम होता तो ये सड़कों पर नहीं दिखते। उत्तर प्रदेश में चुनावी गठबंधन पर शरद ने कहा कि उनकी समाजवादी पार्टी या किसी और पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। सपा को बिहार में परख चुके हैं, इसलिए किसी सूरत में उसके साथ गठबंधन नहीं होगा। अभी अभी ये जो कोई त्योहार होता है जिसमें ये कांवरिये बड़े पैमाने में निकलते हैं, सावन वाला, यानी हालात जो है वो सड़कों जो है वो इस सावन के त्यौहार में जो पानी ढालने वाले हैं, सबसे बड़ा नज़ारा बेकारी बेरोजगारी का वहाँ देख सकते हैं आप। बड़ी भीड़ बढ़ रही है कांवरिये, वो इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती यदि मोलों को काम होता तो। वैष्णो देवी मंदिर के पास लैंडस्लाइड के दौरान चट्टान गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, वही 7 लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों में एक बच्चा और एक महिला शामिल है। पुलिस ने बताया कि ये घटना अर्धकुमारी मंदिर के पास हुई, जिसमें एक शख्स की मौत मौके पर ही मौत हो गई है। वही ज्यादातर श्रद्धालुओं को सिर में चोटें आई हैं। जिस जगह ये लैंडस्लाइड हुआ है वहां से वैष्णो देवी मंदिर करीब 6 किलोमीटर दूर है। घायलों को कटरा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एडमिट कराया गया है। आपको बताते हैं कि घटना उस वक्त हुई जब श्रद्धालु मां वैष्णो के दर्शन के लिए गुफा की ओर बढ़ रहे थे। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग का दौर जारी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के हिलेरी क्लिंटन और उनके ओपोनेंट रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप वोटर्स को लुभाने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। कैंपेनिंग के इसी दौर में एक स्पीच के दौरान हिलेरी क्लिंटन अपने ओपोनेंट डोनाल्ड ट्रंप को हस्बैंड बता बैठी। हालांकि वो हस्बैंड शब्द नहीं बोल पाई और खुद को फौरन संभालते हुए कहा, मेरे ओपोनेंट इसी बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने काफी संभल कर आगे की बात कही। उन्होंने अपनी और ट्रंप की पॉलिसीज में अंतर को लेकर रिपोर्ट्स को जानकारी दी। बता दें कि हिलेरी के पति का नाम बिल क्लिंटन है। बिल खुद 2 बार US प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।